हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 12 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या है? टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये नीचे कैसा है? वो नीचे है आपका सिलेंड्रिकल है। ये नीचे का पोर्शन कैसा है? सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। सरमाउंटेड बाई अ कॉन, इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कॉनिकल पार्ट है, एक कॉन बना हुआ है। ये इसकी हाइट हो गई कॉन की और ये सिलेंडर की हाइट हो गई। सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप, टॉप कॉनिकल हो गया। ये आपका ऊपर वाला पोर्शन हो गया कॉन और नीचे वाला सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर हो गया। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, फोर सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है। हाइट और डायमीटर दिया है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। पहले आया हाइट, तो हाइट कितनी दी हुई है? हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है? 4 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 4 का हाफ तो 2 मीटर, ये आ गया रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट, अब कौन की बात हो रही है? ऊपर कॉनिकल पार्ट है ना, कौन की स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, कैनवास एक टाइप का क्लॉथ है जिससे ये बन रहा है टेंट, यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द रेट एट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने में आता है? 500 में। तो हमें टोटल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर, जैसे आपका सिलेंडर है ये नीचे, तो आपका ये सिलेंडर है, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर जो पार्ट है ना वो पार्ट कैसा है? कॉनिकल है। ऊपर क्या है? ये कौन बना हुआ है। दोनों की डायमीटर इक्वल आएगी, दोनों की रेडियस इक्वल आएगी क्योंकि ये इसके ऊपर बना हुआ है। ये किसके ऊपर बना हुआ है? टेंट कॉनिकल पार्ट सरमाउंटेड है, इसको घेरे हुए है, इसको ढके हुए, मतलब इसके मुंह को। तो दोनों का डायमीटर एक ही आएगा, तो इसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से आप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कैनवास। रिक्वायर्ड कैनवास मतलब कपड़ा कितना यूज होगा? सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए का मतलब लैटरल सरफेस एरिया, कॉनिकल पार्ट है ना, ये कॉनिकल पार्ट का जो लैटरल सरफेस एरिया कर्व है ये, तो ये आएगा आपका पाई आर एल। और जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर, तो सिलेंडर का 2πRH आएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और इसका जो बेस है वो खुला हुआ है, बेस में कपड़ा नहीं लग रहा है, बेस खुला है। तो अब इसमें से आप पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, यहां से L बचेगा, पाई आर चला गया, यहां से 2H बचेगा। ये कॉमन लेने से कैलकुलेशन सिंपली हो जाती है। पाई की वैल्यू 20/7, आर कितना है? रेडियस 2 मीटर निकाला। स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट क्या होती है? तिरछी ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई होती है ना, स्लाइंट हाइट तिरछी ऊंचाई, एल से डिनोट करते हैं। और जैसे ये कोण है ना, तो कोण कैसे बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व कर दो, तो ये स्लाइंट हाइट बोली जाएगी, ये हाइट बोली जाएगी, ये रेडियस बोली जाएगी। जब हम इसको घुमाएंगे तो एक कोण बन जाएगा। तो स्लैंट हाइट एल कितना दिया हुआ है? 2.8। टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इसमें 2.1। अब यहां से 22/7 इंटू 2 और 2.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 हो जाएगा। 22/7 इंटू 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने से 2.8 और 4.2 प्लस करेंगे 7, 7 से 7 कट गया, तो 44 मीटर स्क्वायर क्लॉथ जरूरत पड़ेगी इसकी। अब जैसे एक सेकेंड, यहाँ से
यहां लिखना चाहो तो ऐसे डिनोट कर दो, डायमीटर इसका कितना था 4 मीटर, दोनों का इक्वल आएगा क्योंकि एक दूसरे को सुपरपोज किए हैं। और इसकी जो हाइट थी, हाइट कितनी थी इसकी, 2.1 मीटर थी सिलेंडर की, और इसकी जो स्लैंट हाइट थी वो कितनी है, 2.8 मीटर। ये सिर्फ समझने के लिए है, आप को समझाने के लिए। अब सिंस कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, इतना जो कपड़ा चाहिए ना इसे 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे। तो इतने की कॉस्ट ₹500 है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास बिल भी कितना, ₹500 का मल्टीप्लाई कर दो टोटल एरिया में, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22,000 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम अगले क्वेश्चन 8th के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।